तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ब्लड एंसेस्टर उस स्टोरेज स्पेस में पहुंच जाते हैं, उस रेस्ट्रिक्शन को उठाते हैं जिसके अंदर उनकी बेटी थी और वहां से निकलने को देखते हैं। अब आगे फिलहाल जो स्टोरेज स्पेस था वो कोलैप्स हो रहा था और एक ब्लैक फ्लेम टाइप पूरे स्पेस को घेर रहा था। ब्लड एंसेस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, ये ट्रांसफर एरे की तरफ बढ़ने ही वाले थे। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग, उसका रेड नीडल अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वांगलिंग इन्हें इसलिए देख पा रहा था क्योंकि जो इसका सेलेस्टियल गार्ड था उसके अंदर अभी भी इसका डिवाइन सेंस था। ये जानता था कि अगर ब्लड एंसेस्टर बाहर आ गए तो पक्का ये मरेगा, और एक अभी ये डिसीजन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बना तो नहीं पाया लेकिन फ्यूचर में इसे पूरा करूंगा। अब जो सेलेस्टियल गार्ड था वो काफ़ी तेजी से चमकता है, हालांकि ब्लड सी उसके आसपास था और खुद को ये एक्सप्लोड कर देता है तो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स काफ़ी तेजी से फैलता है, बट रिफाइन होने की वजह से, पूरी तरह से तो नहीं बट फिर भी, तो इसका पावर जो रहता है डिस्ट्रक्शन का वो बस 40% रहता है। वहीं ब्लड एंसेस्टर एरे के अंदर आ ही रहे थे पर तुरंत ही ये एरे कोलैप्स होने लगता है, मतलब उनकी आधा बॉडी स्पेस के अंदर थी और आधा इस ट्रांसफर एरे के अंदर। उस फोर्स की वजह से इन्हें अंदर ढकेल दिया जाता है। फिलहाल ये याओ जिग्जियो को रिलीज करने को देखते हैं क्योंकि अगर ये पूरा स्पेस कोलैप्स हुआ तो याओ जिग्जियो वो पक्का मारी जाएगी, इसीलिए ये उसे रिलीज कर रहे थे ताकि कोलिजन से पहले वो बाहर आ जाए। अभी अपने इनका पावर लेवल बेसिकली निर्वाणा क्लिंजर के मिड फेज में था, उसे पूरी तरह से रिलीज करते हैं और ये फ्लेम्स इनके बॉडी से निकलते हैं, इन ब्लैक फ्लेम्स को ब्लॉक करते हैं। अब याओ जिग्जियो ने ये जो ब्लड सोल पेल था उसका जो लोकेशन था वो डेमन स्पिरिट लैंड में छिपाया था, तो वहाँ पर ये लड़की प्रकट होती है, आसमान की तरफ देखती है, इसकी आंखों में उदासीपन था और एक पावरफुल किलिंग इंटेंट। ब्लड एंसेस्टर एक चैन की सांस लेते हैं, इनके चेहरे पर एक फादरली स्माइल था। अब ये भी तीन ब्लड सोल पिल्स खाते हैं, बेसिकली उन्हें क्रश कर देते हैं। वहीं अपना वांगली वो काफ़ी तेजी से भाग रहा था और वो रेड नीडल फाइनली कोलैप्स कर जाता है। रेड नीडल जो कि लगभग गायब हो गया था, मतलब आधा से भी कम बचा था, वो पीछे जाने लगता है। वांगलिंग समझ जाता है कि ब्लड एंसेस्टर मरा नहीं है। ये तुरंत ही अपनी ओरिजिन एनर्जी से एक प्रिजन सा बनाता है और इस रेड नीडल को ट्रैप कर लेता है, और ये रेड नीडल वांगलिंग कितना भी सेल लगाता है वह निकलने को देखता है और ये कैलकुलेट करता है कि ब्लड एंसेस्टर मरे तो नहीं है लेकिन बहुत कमज़ोर हो चुके होंगे और जैसे वो रिकवर करेंगे पहले मुझे मारेंगे, और इसके हिसाब से इस नीडल को ब्लड एंसेस्टर अपनी तरफ बुला रहे थे। तो वांगलिंग इस नीडल को रिलीज करता है और इसको फॉलो करता है, और यहाँ पर एक स्पेस दिखाया जाता है थंडर सेलेस्टियल रियल में जहाँ पर ब्लू लाइटनिंग को देखा जा सकता था और ब्लड की ऑरा भी थी, और यही बेसिकली ब्लड एंसेस्टर का ओरिजिन सोल था। इन्होंने याओ फैमिली का अपने एक सीक्रेट स्पेल यूज़ किया था सर्वाइव करने के लिए, और अगर ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते तो ये क्या कर सकते थे कि एक ब्लड सोल पिल पे अपना ओरिजिन ट्रेस लगा देते और अपने ब्लड प्लेनेट पे छोड़ देते। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्लड सोल पिल को यूज़ करते तो सीधा अपने प्लेनेट पे प्रकट होते, बट ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। इधर ये जो ब्लड की बूंदे थी जो कि फैली हुई थी जिनके अंदर इनका ओरिजिन ट्रेस था, 3 महीने बीत जाते और धीरे धीरे वो मर्ज हो रही थी। इनका सोल अब जाग रहा था और आज के दिन 60% ब्लड ड्रॉप्स फ्यूज हो चुके थे। पर इसी दौरान इस एरिया से एक थंडर बीस्ट गुजरता है जिसकी गर्दन पर एक चेन लगा हुआ था। बीस्ट की हालत काफ़ी ख़राब थी, इवन इसके सिंग पे भी किसी ने होल कर दिया था, और इसके ऊपर वो ओल्ड मैन बैठे हुए थे और बोलते, अब तुम लग रहे हो ना रियल थंडर बीस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिंग अभी सिल्वर कलर का है, इवन वो जो गोल्डन कलर वाले हैं वो भी तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे, मेरी बात समझो, तुम मेरे साथ फेटेड हो। अब थंडर बीस्ट ओल्ड मैन की तरफ देखता है और सोचता, भाई कब छूटूंगा, और ये बोलते भी कि मैं तो उस छोटे बंदी को तुम्हें लौटाऊं भी ना। थंडर भी और बीस्ट और कांप जाता है, इसको ये तो समझ गया था कि फेटेड मतलब मेरी किस्मत खराब है। और इस दौरान एक निर्वाणा क्लिंजर की ओर ये फील करते हैं और इनकी नज़र वहाँ पर जो खून की बूंदे थी उस पर पड़ती है। इन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसा स्पेल जो ब्लड को मर्ज कर सके ये तो याओ फैमिली का स्पेल है, जैसे कि डायरेक्ट डिसेंडेंट ही बस यूज़ कर सकते हैं, तो आज मुझे एक मिल चुका है, लगता है ये बंदा भी मेरे साथ फेटेड है। और ये वांगलिंग की भी तारीफ करते हैं क्योंकि इनके माजरा समझ में आ जाता है कि वो बंदा तो पक्का मेरे साथ फेटेड है। अब यहाँ पर जो ब्लड की बूंदे थी ओल्ड मैन इसे मर्ज कर देते हैं, ब्लड एंसेस्टर जाग जाते हैं और इन्हें थैंक्स बोलते हैं कि मेरी याओ फैमिली भी आपको थैंक्स बोलेगी। पर ये ओल्ड मैन कहते हैं कि एक्टिंग मत करो, तुम अंदर ही अंदर डर रहे हो मुझसे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फैमिली के जो ब्लड गॉड है मैं उनसे डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्लड एंसेस्टर भी कहते हैं कि नहीं, आपने मेरी जान बचाई, मतलब ये प्रोसेस फास्ट कर दिया, तो मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। और ओल्ड मैन कहते हैं, यार मैंने गलती से तुम्हें फ्यूज़ कर दिया, अब मुझे समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल थोड़ा गिर जाएगा,
तो अब तुम्हारा पावर लेवल है निर्वाना स्क्रायर के लेट फेज में है, तो मुझे ये सब नहीं पता था, तो मुझे ब्लेम मत करना। पर ब्लड एंसेस्टर भी कहते हैं कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, ये मेरा नसीब था, मैं रिकवर कर जाऊँगा। तो अपना स्पेल रिलीज करिए और मुझे जाने दीजिए। पर ये हंसते हैं कि लिटिल बॉय तुम भी मेरे साथ फेटेड हो। अब ये सुनकर के थंडरविस्ट और डर जाता है, बट उसे अच्छा भी लगता है कि चलो कोई और तो आया। अब इस दौरान ये ब्लड एंसेस्टर का ओरिजिन सोल बाहर निकालते हैं और उसका आधा हिस्सा ले लेते हैं, ब्लड भी जो था उसका भी आधा हिस्सा, और कहते इतना मेरे लिए काफ़ी है। और ब्लड एंसेस्टर फिर से गहरी निद्रा में चले जाते। ओल्ड मैन अब काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि इनका जो प्लान है अब सक्सेसफुल होगा। इधर वांगली उस निडल को फॉलो कर रहा था, बट निडल अचानक से चमकता है और उसके सील को तोड़ के काफ़ी तेजी से भागने लगता है। बट भाग ही रहा था फिर से वो डिम हो जाता है और एक वॉइड की तरफ पड़ता है, स्पेस की तरफ। वांगलिंग फिर से डिसाइड करता है कि इस मौके का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ और ब्लड एंसेस्टर को मार पाऊँगा। वांगलिंग अब उस स्पेस में एंटर कर चुका था, समय का इसे भी पता नहीं चलता। फाइनली इसे 10 बॉल ऑफ ब्लड दिखते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे, कुछ का साइज अलग भी था, और वो फ्यूज़ हो रहे थे। और रेड निडल उन्हीं में से एक बॉल ऑफ ब्लड की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग पहचान जाता है कि तो ये हैं ब्लड एंसेस्टर। अब ये माउंटेन स्टोन को निकालता है और अटैक करता है, लेकिन बॉल ऑफ ब्लड काफ़ी पावरफुल था तो आराम से रजिस्ट कर जाता है। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है और इसे चला के मारता है, हेवनली चॉप अटैक। दो बॉल ऑफ ब्लड जो कि फ्यूज हो रहे थे वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ये इसके ओरिजिन सोल में जो थंडर पावर था उसे यूज़ करता है। इस दौरान एक बॉल ऑफ ब्लड को ये एक्सप्लोड करा देता है और एक चीखने की आवाज़ सुनने को मिलती है। ब्लड एंसेस्टर का सोल अब जागने वाला था, यह दिमाग लगाता है, इस बार स्टॉप स्पेल यूज़ करता है, लेकिन क्योंकि ब्लड एंसेस्टर इससे ज़्यादा ही पावरफुल है तो उन्हें यह स्लो नहीं कर पाता है। पर फिर भी ये जो बॉल ऑफ ब्लड थे कुछ एक आधी समय के लिए रुक जाते हैं। ये कर्मा वीप यूज़ करता है साथ में लिंगटियानो की स्वॉर्ड एनर्जी और अपने कुछ थंडर पावर्स को। अब यहाँ पर जो भी ब्लड की बूंदें थी वो और छोटे छोटे ब्लड की बूंदों में बढ़ जाती है। अब जो ब्लड एंसेस्टर का ओरिजिन सोल था वो एक मेन ब्लड की तरफ बढ़ता है और भागने लगता है, और दूसरा इनका पार्ट वांगलिंग पर अटैक कर देता है। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड वांगलिंग के बॉडी में एंटर कर जाता है इसके छिद्रों के थ्रू। वांगलिंग इधर खून की उल्टी करने लगता है और ये कहीं स्पेस में और कहीं जाके गिरता है। अब जो डेविल था वो माउंटेन सोल को उठाता है और वांगलिंग का पीछा करता है, और ये भी पैनिक कर रहा था। वांगलिंग फिलहाल कोमा में था क्योंकि वो जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था उसके अंदर पावरफुल ओरिजिन एनर्जी थी, वो भी ब्लड एंसेस्टर की। लेकिन वांगलिंग का नसीब अलग था क्योंकि जो ओल्ड मैन थे जब उन्होंने वांगलिंग से थंडर बीस्ट लिया था तो उन्होंने भी वांगलिंग के बॉडी में ओरिजिन एनर्जी ज़्यादा डाल दिया था, और ब्लड एंसेस्टर ने भी बेसिकली वांगलिंग को एक मौका दे दिया था। जमीन पे आके ये कहीं गिरता है, इसकी बॉडी जमीन में मानो धस जाती है, बेहोश था ये, और इसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, इसका ओरिजिन सोल भी चेंज हो रहा था और ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पावर लेवल इसका इलूजनरी यन स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है, आसमान में बादल भी आने लगते हैं। वही ब्लड एंसेस्टर क्योंकि वो ब्लडी बॉल्स मर्ज हो रहे थे तो ये जागने लगते हैं, बॉडी इनका शेप नहीं लिया था बट ये काफ़ी वीक फील कर रहे थे। इतना वीक तो इन्होंने कभी भी जब से कल्टीवेशन कर रहे हैं फील नहीं किया था, और उस ओल्ड मैन को भी थोड़ा सा कोस रहे थे क्योंकि आधा ओरिजिन एनर्जी वो लेकर चले गए थे। और ये फिर सोचते हैं कि मैं और वांगली एक साथ नहीं रह सकते, और ये फिर से अब जागने के बाद स्पेस की तरफ पढ़ते हैं और ये सोचते हैं इंजरीज को बाद में देखूंगा, पहले उस बंदे को मारना पड़ेगा। इधर वांगलिंग की आंखें बंद थी, सेलेस्टियल स्वॉर्ड इसके आसपास गोल गोल घूम रहा था और सोचता है कि मुझे चले जाना चाहिए था, बट मैं इस दैत्य को छोड़ कैसे सकता हूँ, मैं कितना लॉयल बंदा हूँ, और शायद ये दैत्य जब जागेगा तो मुझे और रेस्पेक्ट देगा और मेरे लिए कुछ और भी चीज़ें तैयार करेगा, मैं बहुत होशियार हूँ। और वैसे भी दैत्य ये तो इसका बस अवतार है, इसकी ओरिजिनल बॉडी, ये कांप जाता है क्योंकि वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी से ये बहुत डरता था। और इस समय सीन शिफ्ट होता है, अलायंस स्टार सिस्टम को दिखाया जाता है, ऐसा प्लेनेट जिस पर लोग नहीं रहते थे, उसके अंदर में एक बंदा बैठा हुआ था, उसके लाल बाल लहरा रहे थे, चार स्टार्स चमक रहे थे। ये बंदा अचानक से अपनी आंखें खोलता है बट एक पावरफुल किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता था, और ये कहता है, ब्लड एंसेस्टर तुमने मेरे अवतार को कोमा में जाने पर मजबूर किया, मैं इस मैटर को जाने तो नहीं दूंगा। और ये बंदा अब यहाँ से बाहर निकलता है, स्पेस में पहुँचता है, ये स्पेस में दौड़ रहा था मानो, और नीचे से पैरों में से अलग ही वो क्रिस्प टाइप आवाज़ आ रही थी। इसकी बॉडी बढ़ने लगती है, लगभग 1000 फीट की हो जाती है, और ये दहाड़ मारता है जो कि मानो एंशियंट टोरा से भरी हो, और बेसिकली क्योंकि ये एंशियंट गॉड है, एंशियंट गॉड को गॉड ऑफ स्पेस भी कहा जाता है, और ये स्पेस में ऐवे घूमते थे, इन्हें किसी टूल्स की जरूरत नहीं भी पड़ती थी। नॉर्मली वांगलिंग ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता था, एंशियंट गॉड बॉडी को प्रकट नहीं करता था, बट आज ये काफ़ी गुस्से में था
और ये बोलता है कि ब्लड एंसेस्टर, तुमने मेरे अवतार को कोमा में भेजा है, मैं तुम्हारे ब्लड प्लैनेट को ही तबाह कर दूंगा। और एक डायरेक्शन में ये बढ़ जाता है। पहले ये 4 स्टार्स को गायब करता है अपने थर्ड आई पे क्लिक करके। ये बस एंशिएंट गॉड ही यूज़ कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। और ये दिमाग लगाता है कि वैसे भी अलायंस स्टार सिस्टम में जायंट डेमन क्लैन भी है, तो 1000 फुट की बॉडी उनकी भी होती है, तो कोई मुझे अब एंशिएंट गॉड समझेगा नहीं। और वैसे भी इसके पास ऑल सीर का मैप था, तो उस डायरेक्शन में बढ़ता है। इसके जाने के बाद जहाँ पर ये था पहले, वहाँ पे 2 लोग निकलते हैं, वो डर रहे थे एकदम। और रास्ते में जो इससे स्टोन्स वगैरह दिखते हैं उन्हें भी ये कलेक्ट करते जाता है, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा थी। अभी जो ब्लड प्लैनेट था ये टियान्यून प्लैनेट से काफ़ी दूर था। इधर महीने निकल जाते, कुछ एक महीने, और वांगलिंग को देखकर कोई भी इसके आसपास फटकता भी नहीं था। और क्योंकि ये 6 स्टार एंशिएंट गॉड या उसके ऊपर नहीं था, जिन्हें कि हम एडल्ट एंशिएंट गॉड्स कहते हैं, उनकी बॉडी तो प्लैनेट से भी बड़ी होती है, इसलिए लोग इसे एंशिएंट गॉड नहीं समझते। नए लोग को तो पता भी नहीं है कि एंशिएंट गॉड नाम की चीज़ भी होती है। और इसका जो कनेक्शन था इसके अवतार के साथ काफ़ी कमज़ोर था, अगर वो चला जाता है मतलब वो मर जाएगा। और ये जो था ओरिजिनल बॉडी भी यही है, और अवतार भी एक तरह से इसकी ओरिजिनल बॉडी ही है, तो इसे समझ में आता था, यानी कि वांगलिंग एक बार मर चुका है। बस इसके लिए एक ही चिंता थी, वो थी टास इनकी, जो कि 8 स्टार एंशिएंट गॉड है, लेकिन एलन स्टार सिस्टम में उसे लोग पहचान लेंगे। इधर यहाँ पर जिगजेन को दिखाया जाता है, जो कि ब्लड पवेलियन में बैठी थी और थोड़ी चिंतित थी। 4 एल्डर्स इसके सामने प्रकट होते हैं और ये चारों 2nd स्टेप पे थे, और ये डिस्कस करते हैं कि मिस्ट्रेस, बहुत सारे हमारे ब्लड स्लिप्स मारे जा चुके हैं। इधर कुछ एक महीनों से हमारे बहुत सारे ब्लड स्लिप्स और ब्लड गार्जियंस मारे जा रहे हैं। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था कि ब्लड एंसेस्टर को कुछ हो चुका है, क्योंकि ब्लड एंसेस्टर कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करते थे किसी पावरफुल स्पेल से। और इनमें से एक पूछते हैं कि मिस्ट्रेस यानी जिगजेन से कि ब्लड एंसेस्टर गए कहाँ हैं। जिगजेन गुस्से में कहती ये सब चीज़ें तुम नहीं पूछ सकते, और जिगजेन भी चिंतित थी क्योंकि ये लोग अगर ब्लड एंसेस्टर मर गए तो इसे नहीं छोड़ेंगे। और इनमें से एक बंदा सोचता है कि 6000 साल पहले ब्लड एंसेस्टर ने मुझ पर एक फोर्सफुली सील लगा दिया था, मैं बिना ब्लड एंसेस्टर के ब्लड प्लेनेट छोड़ नहीं सकता, और वो मरेंगे तो मैं भी मरूंगा। तो ये बंदा बहुत उदास था, तो ये सोचता है कि भाई आज तो मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे, क्योंकि अब तो मरना ही है। बाकी 3 भी यहाँ से निकल जाते। जिगजेन को गुस्सा आता है और इन्हें डांटने को देखती है, बट एक ओल्ड मैन देखता है कि तुम कोई नहीं हो, तुम बस ब्लड एंसेस्टर की एक कंकुबाइन हो जिसके साथ वो खेलते हैं, अपने को महारानी मत समझो। अब ये चारों निकल चुके थे। अब जिगजेन ब्लड पवेलियन में जाती है, एक सील इसे ब्लड एंसेस्टर ने दिया था उसे ये ओपन करने को देखती है, पर तभी आसमान में एक पावरफुल ऑरा पूरे ब्लड प्लैनेट को कवर कर लेती है। चारों एंसेस्टर जो भाग रहे थे वो भी आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि एक रिवर जैसा दिख रहा था जो कि पत्थरों का मानो नदी बना दिया हो किसी ने, और इस प्लैनेट पर बढ़ रहा था, और एक जायंट 1000 फीट का जो होगा वो यहाँ पर देख रहा था। चारों एंसेस्टर अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते, सभी लोग भागने लगते, इवन ब्लड स्लेव्स भी। कुछ लोग तो खुश हो रहे थे कि चलो ब्लड प्लैनेट अब तबाह हो जाएगा, अब जो भी पत्थर वांगलिंग लाया था उठा उठा के ब्लड प्लैनेट पर फेंकने लगता है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन था ब्लड लाइट स्क्रीन का वो टूट जाता है। जिगजेन का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि ऊपर आसमान से बहुत दूर से कुछ बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे कि भाई ऐसा भी पावर हो सकता है। और फिलहाल ही वही सीलिंग टेक्निक यूज़ कर रही थी जो ब्लड एंसेस्टर यूज़ करते थे। पर इस दौरान वो जो 1000 फीट का जायंट था उसकी नज़रें सीधा जिगजेन पे पड़ती है। जिगजेन कांप जाती है और ये अंदर बढ़ने लगती है, बट जैसे अंदर बढ़ती है एक रेड लाइट आती है टनल के अंदर से, और इसकी बॉडी गायब होने लगती है। और उस रास्ते में जिसके अंदर ये जा रही थी जहाँ पर ब्लड एंसेस्टर जाते थे, ग्रीन स्मोक में बदल के ये गायब हो जाती है। वांगलिंग यहाँ पर अपने पावरफुल पंचेज मारता है और इस जगह को तबाह करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। जो भी गार्जियंस थे जो भी स्लिप थे इसे रोकते भी नहीं, और मानो इनके ऊपर जो कंट्रोल था किसी का वो गायब हो चुका था। अब क्योंकि जो ब्लड प्लैनेट है वो बहुत दूर है, रिमोट लोकेशन में है, तो बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं चलती। ये फिर से नॉर्मल साइज में आ जाता है अपना वांगलिंग, ब्लड पवेलियन को ये सील कर देता है और निकल जाता है, और एक रैंक 6 का प्लैनेट ढूंढ करके ये फिर से उसके अंदर चला जाता है। अब इस समय तक इसका जो इसके अवतार के साथ कनेक्शन था वो स्टेबल होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑल हेवन स्टार सिस्टम को दिखाया जाता है। आसमान में बिजलियाँ खड़क रही थी और एक बिजली वांगलिंग की बॉडी में एंटर करता है। ब्लड एंसेस्टर उस फ्रैगमेंट पर दूर से देख रहे थे, और इनकी जो ऑरा थी वो वांगलिंग एब्जॉर्ब कर रहा था। जो ऑरा ये वांगलिंग को मारने के लिए यूज़ करना चाहते थे, अब वो वांगलिंग अपने पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा था। और इन्हें समझ में आ जाता है ये जो बिजली है ये डिवाइन रेट्रीब्यूशन है, इन्हें पीछे हटना पड़ता है क्योंकि डिवाइन रेट्रीब्यूशन इन्हें और इंजर्ड कर सकती है। लेकिन फिर भी ये खुश थे कि जितने बादल होंगे ये वांगलिंग भी मारा जा सकता है।
अब बादल अच्छे खासे हो जाते तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन अब नीचे आने लगता है। जब भी थंडर पावर वांगलिंग की बॉडी को हिट करता, इसकी बॉडी कांप जाती थी। जूलीगो इन चीज़ों को देख रहा था और दूर छिप जाता है। वहीं वांगलिंग की बॉडी में वो जो ओल्ड मैन का पावर था और ब्लड एंसेस्टर का पावर था, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे और थंडर की वजह से वो पावर और बढ़ जाता है। इसका ओरिजिन एनर्जी का पावर तेजी से बढ़ता है और क्योंकि ये बेहोश था, अगर ये जागा होता तो इस पावर को अच्छे से ये गाइड कर पाता। पर ये जो स्पेस था जहाँ पर वांगलिंग था, ये छोटा सा फ्रेगमेंट था लेकिन काफ़ी स्टेबल था। तो ब्लड एंसेस्टर समझता है, यार ये तो एक ट्रेजर है, इसे हेवेंस ने रिफाइन किया है, अब इन्हें लालच आता है। और ये सोचते हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें लूज़ की हैं बट ये चीज़ मेरे को पूरा कर सकती है, लगता है हेवेंस ने ये मेरे लिए बनाया। अब इधर आसमान में एक ब्लैक थंडर चमकता है, ये था रियल डिवाइन रिट्रीब्यूशन। इधर वांगलिंग जो कि एक गहरी निद्रा में था, फाइनली अपनी आंखें खोलता है और वो ब्लैक थंडर वांगलिंग की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता है। और इस समय ये फील करता है इसके बॉडी में एक युद्ध चल रहा हो, और अगर ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन आता नहीं तो इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती। डिवाइन रिट्रीब्यूशन की मदद से जो दो पावर पहले के थे और ये तीसरा पावर डिवाइन रिट्रीब्यूशन, उन्हें काउंटर कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और वांगलिंग भी पहली बार खुश होता है डिवाइन रिट्रीब्यूशन को देखकर। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर से डेविल चिल्लाता है कि मास्टर मुझे भी ले चलो, मुझे बैग में रखो, ये बहुत खतरनाक जगह है। वांगलिंग ऊपर आता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बैग में रखता है, सेलेस्टियल माउंटेन को भी, और यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन बादल यानी डिवाइन रिट्रीब्यूशन फिर से इसकी तरफ बढ़ते हैं और इस बार चार बिजलियाँ, वो भी ब्लैक कलर की, चारों बिजलियाँ वांगलिंग की बॉडी को आर पार कर जाती है। और वांगलिंग की बॉडी में वो जो ब्लड बॉडी थी और मिसेस ओल्ड मैन का पावर, उन्हें फिर से काउंटर करती है। वांगलिंग का ऑरा तेजी से बढ़ता है क्योंकि ओरिजिन सोल इन ओरिजिन एनर्जीज को तेजी से डिवोर कर रहा था। वांगलिंग का पावर इतना बढ़ जाता है कि ये असेंडेंट के लेट फेस को पार कर जाता है, ये अपने डाओ को फील कर सकता था। ये हंसता है, ब्लड एंसेस्टर इसे देख रहे थे, वो समझ जाते यार ये इल्यूजनरी जिन लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब मैंने जो इसे पावर दिया था मारने के लिए वो इसके काम आ गया और इसका पावर लेवल अभी भी बढ़ रहा था। अब वांगलिंग का ओरिजिन सोल इसकी बॉडी से निकलता है, अब वो इंसान की शेप में था भी नहीं, वो एंशियंट थंडर ड्रैगन में बदल चुका था। इस बार 8 बिजली की बूंदें गिरती हैं और इसका ओरिजिन सोल उन्हें भी डिवोर कर जाता है। और जब जब ऐसा होता था तो वो जो ब्लड एंसेस्टर का पावर था और ओल्ड मैन का, वो एक्सप्लोड करते थे और प्योर ओरिजिन एनर्जी में बदल जाते थे। इसका यिन कल्टीवेशन अब पीक पर पहुंच जाता है, स्टेबल था, इसे मालूम था यिन और यांग में बैलेंस होना चाहिए क्योंकि अगला लेवल जो है वो कॉर्पोरियल यांग स्टेज है, तभी इंसान सेकंड स्टेप में और पावरफुल बन सकता है और इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इन स्टेप्स को पार करने के लिए नॉर्मल लोगों को जैसे ऑलसीर हो गए उन्हें 3 साल लगा था, लिंक्टियानों को 800 साल, ब्लड एंसेस्टर को 1000 साल लगे थे। और इसमें टैलेंट का कुछ नहीं रहता है, इसमें आप ओरिजिन एनर्जी कितना इकट्ठा कर पाते हो। वांगलिंग इधर बादलों की तरफ फिर से देखता है एक उम्मीद के साथ, फिर से 7 कलर का लाइटनिंग पावर इसकी तरफ पड़ता है और ये उम्मीद कर रहा था कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन और प्यार से अटैक करो और फोर्सफुली अटैक करो। अब ये 7 कलर्ड लाइटनिंग इसके बॉडी में एंटर करता है और मानो वांगलिंग एक सेलेस्टियल डेमन हो जो लगातार थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। एक बार तो वांगलिंग की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और इधर फाइनली वो जो ब्लड बॉडी था वो खत्म हो जाता है, वांगलिंग का पावर फिर से बढ़ता है। कॉर्पोरियल यांग स्टेज के ये काफ़ी करीब था पर थोड़ा सा और मिसिंग था, तो ब्लड एंसेस्टर का पावर अब इसके बॉडी से जा चुका था, जो भी था वो ओरिजिन एनर्जी में बदल चुका था। ये बादलों की तरफ फिर से देखता है और सीधा बादलों की तरफ बढ़ने लगता है, बादलों को भी गुस्सा आता है और फिर से इसके ऊपर बिजली गिरती है और अब तो ये बादलों को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने लगता है। ब्लड एंसेस्टर हैरान थे कि वांगलिंग ये बादलों को निगल रहा है, ऐसा इन्होंने पहली बार देखा था कि यार ये आदमी ये तो पागल है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता। फिलहाल इनका जो पावर लेवल था वो कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे था, उसके पीक पर, क्योंकि ये बहुत वीक हो चुके थे। तो अब ये ब्लड शेडो में बदलते हैं और वांगलिंग की तरफ पड़ते हैं। वांगलिंग बादल से पीछे हटता है और इन्हें देखता है, और जब ये वांगलिंग के करीब जा रहे थे तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बंदा ही नहीं है, ये तो थंडर ड्रैगन है। अब वांगलिंग इन पर हेवनली चॉप अटैक यूज़ करता है, ब्लड एंसेस्टर एक सीलिंग अटैक बनाते हैं, दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वांगलिंग इन्हें पीछे ठेल देता है। ये भी सोच रहे थे कि अगर मेरा पावर नहीं गिरता तो मैं इस बंदे को बताता था। और वांगलिंग हेवनली चॉप बहुत प्यार से यूज़ कर पा रहा था ओरिजिन ऑरा बढ़ने की वजह से। अब बादलों की वजह से ब्लड एंसेस्टर को फिर से पीछे हटना पड़ता है और वांगलिंग फिर से बादलों को डिवोर करता है, क्योंकि जो ओल्ड मैन की एनर्जी थी इसके बॉडी में गायब हो रही थी, तो वांगलिंग उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। ब्लड एंसेस्टर इसका पीछा करते हैं और ये भागता है। फाइनली ओल्ड मैन की ऑरा भी गायब हो जाती है और इसके अंदर अब बस ओरिजिन एनर्जी बसती है।
इसका कल्टीवेशन फिर से बढ़ता है और फाइनली ये कॉर्पोरियल यंग स्टेज में एंटर कर जाता है। और ऐसा नहीं कि बस एंटर करता है, उसके ऊपर भी इसका पावर लेवल बढ़ता है। कॉर्पोरियल यंग स्टेज में भी इसकी ओरा एकदम स्टेबल हो जाती है, बैलेंस। ब्लड एंसेस्टर वो चौंक जाते हैं, इन्हें समझ में आता है कि भाई मैं इसे ऐसा करने नहीं दे सकता, नहीं तो क्या पता ये जल्द ही निर्वाना स्क्रायर में पहुंच जाए। और वांगलिंग कहता है कि ब्लड एंसेस्टर, क्योंकि आप मेरे पास आ ही रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो मैं आपकी विश पूरी ही कर देता हूँ। ब्लड एंसेस्टर को भी गुस्सा आता है और ये बोलते हैं, लगता है तुम भी मरना चाहते हो। और दो बॉल ऑफ ब्लड ये वांगलिंग की तरफ बढ़ाते हैं और उन्हें एक्सप्लोड करा देते हैं। और वांगलिंग इनकी बॉडी को मारना चाहता था, बट इनके अटैक्स एक्सप्लोजन वांगलिंग का कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके आसपास बस बिजली ही बिजली कड़क रही थी, जो कि उस पावर को आराम से ब्लॉक कर देते। और वांगलिंग के अंदर से लगातार बिजलियाँ गिर रही थी ब्लड एंसेस्टर के ऊपर। और अब ये इस डिवाइन रेट्रीब्यूशन वाले बादल से भागने को देखते हैं। वांगलिंग जोरान कहता है कि ब्लड एंसेस्टर, आपका ब्लड प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपकी कंकुबाइन जिगजिन भी मर चुकी है, आपको धोखा दे रही थी, और मानना पड़ेगा आपका ब्लड पवेलियन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप तो इधर मुझे मारने में लगे हो, उधर आपकी बेटी याओ जिक्सियो जब वापस लौटेगी ब्लड प्लैनेट पर तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो लोग रहेंगे बहुत पावरफुल रहेंगे जो कि आपको धोखा दे चुके हैं, तो शायद वो भी ना बचे। और वांगलिंग याओ जिक्सियो का अंदाजा लगाता है, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। अब इस समय ब्लड एंसेस्टर थोड़े कांप जाते हैं, क्योंकि याओ जिक्सियो इनकी एकमात्र कमजोरी थी। इधर वांगलिंग का जो लाइटनिंग पावर था अब ब्लड एंसेस्टर की बॉडी में एंटर करता है, जिसमें 7 कलर लाइटनिंग मिक्स था। वांगलिंग का ओरिजिन सोल अब इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ब्लड एंसेस्टर भी इसके अंदर थे और वांगलिंग भी इसके अंदर था। और वांगलिंग का प्लान यही था, ये इनकी बॉडी थोड़ी हासिल करना चाहता था, इनको बिजलियों के बीच में रखना चाहता था ताकि अपने मकसद को अंजाम दे पाए, यानी इन्हें मार पाए। इधर बादल गायब होने लगते हैं, पर जाने से पहले एक पावरफुल अटैक, एक बिजली वाली अटैक इस तरफ पड़ती है ब्लड एंसेस्टर की बॉडी की तरफ। ब्लड एंसेस्टर जानते थे ये भाग नहीं पाएंगे, अब करें तो करें क्या, तो एक ब्लड सील बनाते हैं अपने बॉडी के आसपास और इनका जो सोल था इसके अंदर से बाहर निकलता है। ये अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि मैंने इस बॉडी को तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने बॉडी पर एक सील लगा दिया है, तो तुम उसके अंदर से नहीं निकल पाओगे, तो वो लाइटनिंग तुम्हें तबाह कर देगी। और इनकी भी हालत बहुत खराब थी, आधा ओरिजिन सोल तो ओल्ड मैन ले गए, इनकी बॉडी भी वांगलिंग ने ले लिया। इन्हें भी लगता है कि वांगलिंग की प्रॉमिस मान लेनी चाहिए थी तो मैं भी ठीक होता, मेरी बेटी भी सही होती, बट अब लेट हो चुका था। अब थंडर पावर गिरता है और ब्लड एंसेस्टर ने जो सील लगाया था वो तुरंत ही टूट जाता है। ब्लड एंसेस्टर की बॉडी भी टुकड़ों टुकड़ों में बदल जाती है। वांगलिंग का ओरिजिन सोल अब बाहर आता है और लाइटनिंग पावर से फाइट करता है। अब ये अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है उसके बाद और ब्लडी बॉडी को रख लेता है। अब ये जो फ्रैगमेंट था उससे भी वांगलिंग डेवोर कर जाता है, मतलब एक बालू के दाने के समान बदलता है और फिर खा जाता है। इसका जो पावर लेवल था कॉर्पोरियल यंग के पीक पर तो नहीं पहुंचा था, बट उसके बहुत करीब था। और अभी भी इसके बॉडी में बहुत ओरिजिन एनर्जी थी जिससे कि ये अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, और उसे कर लेगा तो पीक पर पहुंच जाएगा। फिलहाल ये काफ़ी तेजी से स्पेस में बढ़ता है और इसे अब समझ में आता है कि ये जो पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं, ब्लड एंसेस्टर, ऑल सीर, लिंकटियान हो, ये उतने भी पावरफुल नहीं है, मतलब इनविंसिबल तो नहीं है, इन्हें हराया जा सकता है। इवन ऑल सीर भी ये नहीं सोच सकते थे कि वांगलिंग इस लेवल पर पहुँच जाएगा, लेकिन ये सोचता है कि चलो ओल्ड मैन ने कहीं ना कहीं हेल्प किया था, बट फिर सोचता है कि ओल्ड मैन का कुछ और मकसद होगा। ये गैस करता है कि क्या पता वो ओल्ड मैन होंगे या कोई और होगा। अब इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, इसकी नज़र पड़ती है ली युआन पर जिसका चेहरा एकदम बना हुआ था, वो भाग रहा था, उसका दायां हाथ कट चुका था, उसमें से ब्लड निकल रहा था, उसके बॉडी पर बहुत सारे तलवारें के निशान थे, ओरिजिन सोल भी इंजर्ड था। और ये सोचता है इन लोगों ने जो मुझ पर अटैक किया ये बड़ी फैमिली वाले, काश मेरी ली फैमिली पहले जैसे पावरफुल होती तो मैं इन्हें बताता। इधर जो लोग इस पर अटैक कर रहे थे वो डिस्कस करते हैं कि कजिन इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स है, खास करके इसका सेलेस्टियल स्वॉर्ड। तीन लोग थे यहाँ पर जिसमें दो मैन थे और एक वुमैन, और इस वुमैन के पास वही तलवार थी जो ली युआन को सेलेस्टियल स्टोरेज स्पेस से मिला था, सेलेस्टियल स्वॉर्ड। अब दूसरा बंदा कहता है नहीं, इसके पास 8 और तलवारें हैं, क्योंकि सिस्टर जिया आपको ये तलवारें पसंद है तो आप ले सकते हो। इसका पावर लेवल एसेंडेंट के लेट फेज के पीक पर था, बस इनके साथ जो बंदा था उसका पावर लेवल इल्यूजनरी इनके पीक लेवल पे था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।